फाइनली दोस्तों एस वर्सेस लियोन पार्ट 4 द पार्टनर्स क्लैश ऑफ चैंपियन के अंदर लियोन और एस किस्म आखिरी बार आमने सामने आने वाले हैं। अब इसमें से कौन जीतेगा 100% कंफर्म हो चुका है। और यार पागल हो जाओगे अगर एस के फैन हो लियोन के फैन हो दोनों पागल हो जाओगे। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो यार, हर बार तुम्हें मैं सही न्यूज देता हूँ लेकिन तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार। लोग सही बोलते हैं इंसानियत मर चुकी है, एक बार सब्सक्राइब कर दोगे मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन खुशी देखी नहीं जाती। कोई बात नहीं, अब बात करते हैं एस और लियोन में कौन जीतने वाला है। तो देखो दोस्तों अभी मैं वन वर्ड में आंसर बता देता हूं कि एस के जम हारने नहीं वाला है, वो जीतने वाला है, मुकाबला ड्रॉ भी नहीं होने वाला है। ओनली एस के जम जीतेगा, लियोन हार जाएगा। अभी कुछ लियोन के अंधभक्त लोग भागे भागे आएंगे, कमेंट करेंगे कि भाई भाई तू ये जो बात बोल रहा है ना सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल नहीं है, अपना लियोन जिंदाबाद, लियोन ही जीतेगा। तो यार बैठे ही यहाँ पे आओ, मेरे पास बैठो, बताता है मैं। तो एस किस्म को तुम कम आ करे हो बे, एस किस्म को जानते नहीं हो क्या? उसको 25 साल का एक्सपीरियंस है, क्या मतलब कि वो 10 साल का है। लेकिन यार 25 साल से वो ट्रैवल कर रहा है, टाइम एज वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसको 25 साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं। लियोन को उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हम पिकाचू को देखते आ रहे हैं, उसने क्या क्या किया है, वो कितना पानी में है, कितना इलेक्ट्रिसिटी में है, हमको पता है। एस का पिकाचू ने हर बार मेहनत की है, तो यार उसका जितना तय है, यानी कि यार उसने कितने सारे लेजेंडरी को हराया है बे, टापूको को, रेजी आई से जैसे अनेकों लेजेंडरी को हराया है, उसने बहुत सारे मेगा पोकेमॉन को भी हराया हुआ है। तो सोच सकते हो ना पिकाचू कितना पावरफुल है, भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक पिकाचू ट्रेनिंग ही तो करता आ रहा है। बहुत सारे लोग बोल लेंगे कि भाई यार अगर एस का जीता तो ये काफी बड़ा प्लॉट आर्मर होगा, ऐसे वैसे नहीं नहीं लियोन नहीं जीतेगा। तो भाई सब कर क्या रहे हो, हाँ मानता हूँ एस किस्म ने थोड़ी सी ट्रेनिंग कम की, लेकिन जितनी भी की ट्रेनिंग सफिशियंट थी, हाँ मानता हूँ थोड़ी सी और आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उसने पुराने पोकेमोन से ट्रेनिंग ली, ग्रीन निंजा से ट्रेनिंग ली, पोल से ट्रेनिंग ली, खुद भी ट्रेनिंग की, जी जान ही कर दी। तो यार उसका जीतना तय है ना, सिर्फ और सिर्फ जर्नीस की बात नहीं है, वो पूरे रीजन पर जितनी उसकी जर्नी रही है ना, केंटो, जोटो, होविन, सिनो, यूनोवा, केलो, सलोला, गलार, उसमें वो ट्रेनिंग तो कर रहा था, उसमें पिकाचू उसके साथ था ना, तो पिकाचू ने जो ट्रेनिंग की है ना, हाँ बाकी जर्नीस पोकेमोन ने उतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की, आई नो आई एग्री, लेकिन यार मेन बात हो रही है पिकाचू की, बाकी पोकेमोन ने ट्रेनिंग थोड़ी कम की, हार गए, देख लिया ना हाल, लुकारियो क्या हुआ, ट्रेनिंग नहीं की डैश वाई हार गया। लेकिन बात कोई नहीं, रहने दो, पिकाचू पावरफुल है ये तो अग्री करते हो ना, चाहे तुम ग्रीनजा के फैन हो, चाइजार्ड के फैन हो, लियोन के फैन हो, चाहे किसी के भी फैन हो, इस बात से अग्री करते हो ना कि पिकाचू कितना ओपी पोकेमोन है, तो पिकाचू ही तो रहने वाला है चाइजार्ड को, तो 100% कंफर्म है पिकाचू जीतने वाला है। अब तुम लोग बोलोगे कि पिकाचू अकेला कैसे हराएगा चाइजार्ड को, सेंट्रेंस को, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना। लेकिन शॉर्ट में मैं तुम्हें समझा देता हूं, क्या पिकाचू एक नया मूव सीखने वाला है, उसके अंदर उसकी फ्रेंडशिप डिसाइड करेगी कि वो जीतेगा या फिर नहीं, पावर तो डिसाइड करेगी, लेकिन उसकी पावर यार डायरेक्टली रिलेटेड होगी फ्रेंडशिप से, जितनी उसकी फ्रेंडशिप होगी उतनी उसकी पावर होगी। अगर उसकी फ्रेंडशिप फॉर एग्जाम्पल 100 होगी तो उसकी पावर भी 100 होगी, अगर उसकी फ्रेंडशिप जो है 2000 होगी तो उसकी पावर भी 2000 होने वाली है। सोच सकती हो ना, इस प्रकार से पिकाचू आराम से हरा देगा चाइजार्ड को। तो कुछ लोग बोलेंगे चलो मान लिया चाइजार्ड को हरा देगा, हराना पॉसिबल नहीं है तुम्हारे अकॉर्डिंगली, बट मेरे अकॉर्डिंगली वो हरा देगा, लेकिन फिर भी मान लिया चाइजार्ड को हरा दिया, फिर क्या होगा, फिर यार सिंड्रेंस तो है ना, सिंड्रेंस को भी हरा देगा यार, सिंड्रेंस हलवा पोकेमोन ने 2 सेकंड में पिकाचू आएगा, जीमेक्स होगा और सिंड्रेंस के चेहरे पे चाटा मारेगा, बोलेगा साले जीतने देना यार, 25 साल से मेहनत कर रहे हैं, जीतने नहीं दोगे क्या। इन शॉर्ट में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यार एस का पिकाचू जीमेक्स होकर सिंड्रेंस को हरा देगा, देन वो पिका पेपो टेक जो होने वाला है उसको यूज करके वो चाइजार को डिफीट कर देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बट ये बात 100% कंफर्म हो चुकी है, एस केचम जीतने वाला है, और कुछ केमियोज भी आने वाले हैं, सैना के, मिस्टी के, मे के, और ब्रोको मैक्स कंफर्म नहीं है, लेकिन ब्रोको मैक्स भी आ जाएंगे, टेंशन नोट। तो वो भी बहुत सारे फ्रेंड है एस के जिसको हमने देखा नहीं जर्नी सीरीज में, वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, एस केचम ओपी वो जीतने वाला है। पार्टी करो, सब्सक्राइब कर दो, खुशी के मारे कर क्या रहे हो। एंड हाँ, एपिसोड में क्या होगा A to Z डिटेल तुम्हें मिलेगी कल, उसके लिए सब्सक्राइब तो करना बनता है। पोकेविज का आंसर दो एंड बाय बाय।